श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का होता है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना एवं उनका व्रत करने से व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है। इसी प्रकार दर्शकों आज की हमारी यह जो वीडियो है बहुत ही कारगरी है। आज के दिन पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया हुआ एक छोटा सा कार्य, इस कार्य को करने से व्यक्ति का गुरु मजबूत होगा। जिस व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है उस व्यक्ति को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, भगवान श्री हरि बृहस्पति यानी कि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दर्शकों किस प्रकार से इस छोटे से उपाय को करना है वह जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हर बार की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो आज का ये जो उपाय है बहुत ही कारगरी उपाय है। दर्शकों कहा जाता है कि गुरुवार का दिन जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। गुरुवार के दिन हल्दी जो होती है उसका भी विशेष महत्व होता है। दर्शकों कहा जाता है कि जो हल्दी होती है, हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। साथ ही जो अक्षत चावल होते हैं वह सभी प्रकार के पूजा पाठों में कार्यों में लिए जाते हैं। इन्हीं से एक अचूक उपाय आप ही सभी को करना है, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही व्यक्ति का गुरु मजबूत होगा। तो दर्शकों आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आज के दिन यानी कि गुरुवार के दिन किसी भी गुरुवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र आप लोगों को एक लोटे में जल भरना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आप लोगों को अपने पूरे घर में छींटे मार देना है। उससे आपके घर में जो भी नकारात्मक पुर्जाओं का वास होगा वह दूर होगा, आपके घर में सकारात्मक पुर्जाओं का निवास होगा, जिससे कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। साथ ही दर्शकों जो अक्षत चावल है, अक्षत चावल सभी देवी देवताओं की पूजा में कार्य में लिए जाते हैं। तो एक लाल कपड़े में आप लोगों को अक्षत चावल बांधकर और भगवान श्रीहरि विष्णु के जो पूजा स्थल होता है वहाँ पर आप लोगों को उनके चरणों में अर्पित करना है। इससे आपका गुरु मजबूत होगा, साथ ही आप लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। तो आज के दिन इस छोटे से कार्य को अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।